तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा BSPCCL था, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका फॉर्म फिलअप बहुत सारे आदमी अनुमान लगा रहे थे कि 1 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, पर अब 1 मई भी हो गई है पर अभी तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है BSPCCL का। तो अब देखिए, आप अनुमान लगाना छोड़ दीजिए कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो सभी के लिए स्टार्ट होगा, क्योंकि BSPCCL एक तो 6 साल बाद वैकेंसी निकाली थी, 6 साल बाद वैकेंसी निकाली थी, आपको ही पता है 2018 के बाद वैकेंसी आई नहीं है, और 6 साल बाद वैकेंसी निकाली और उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस अभी लंबा चल रहा है। कभी भी नोटिफिकेशन आ रही है तो कभी फॉर्म का डेट आ रहा है, ऐसे ही प्रोसेस चलते जा रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे पिछले वीडियो पर कि कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए कि नया अपडेट दीजिए। देखिए, नया अपडेट किसी के पास है ही नहीं। मैं तो वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं उस पर आप भीड़ जाए, क्योंकि देखिए BSPCCL ऐसा है ना कि आपको बहुत सारे बच्चे 2020-21 से ही तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, पर क्या हुआ वो बीच में छोड़ देते हैं फिर तैयारी करने लगते हैं। इससे अच्छा है कि जब फॉर्म का डेट आएगा तब एक बार आप अच्छे से लग जाना तैयारी में, क्योंकि देखिए अभी आपके सामने बहुत सारा एग्जामिनेशन है। जैसे मैं बात करूं रेलवे की एग्जामिनेशन है, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि रेलवे में सीट कम है। मैं मानता हूं सीट कम है, मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझता हूं, सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई किया है, पर क्या कीजिएगा, देश के अंदर भी स्थिति ही वैसा ही हो गया है। चाहे वो कोई भी सेंट्रल की वैकेंसी हो, स्टेट की वैकेंसी हो, स्थिति वैसा है तो आपको उसमें फाइट करना पड़ेगा, आपको उसमें उस तरीके के बनना पड़ेगा। आपको रेलवे की वैकेंसी एग्जाम निकालना है, फिर या फिर टेक्नीशियन हो गया, रेलवे टेक्नीशियन है, ALP है, तो इसका वैकेंसी अभी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है। हो सकता है कि BA और जुलाई अगस्त तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया जाए, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेलवे के स्टूडेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट BSPCCL की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनको बोलूँगा कि देखिए कुछ दिन के लिए आप होल्ड कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी कन्फर्म नहीं है कि हाँ कि BSPCCL की कब तक वैकेंसी आएगी और कब क्या होगा। अभी कोई नोटिफिकेशन कोई अभी उसमें जिक्र नहीं कर रहा है कि हाँ कब तक फॉर्म फिलअप होगा, या कोई शॉर्ट नोटिस भी नहीं आयोग की तरफ से आ रही है कब इसमें नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे देखिए बिहार के अंदर और भी डिपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप होने का स्टार्टिंग डेट बढ़ा है, पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। जैसे मैं बात करूँ, एक बिहार की कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी आई है जो कि कॉमर्स के फील्ड वाले के लिए, उनका वैकेंसी स्टार्ट होने वाला था 30 तारीख से फॉर्म फिलअप, बट वो उनको बढ़ाकर 10 तारीख कर दिया गया है। तो ये वो फिक्स डेट देर कर दिया गया है कि हाँ आपका 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, पर BSPCCL की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं आ रहा है कि हाँ कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो इस उम्मीद से ना बैठे कि वैकेंसी आएगी। देखिए वैकेंसी आएगी, हमको भी पता है आपको भी पता है, पर कब आएगी इससे पहले आपका और भी एग्जाम है, तो उस एग्जाम को अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट रहता है कि मेरा तो टेक्निकल कमज़ोर है, मेरा नॉन टेक अच्छा है। कोई बोलते हैं मेरा टेक्निकल अच्छा है, नॉन टेक अच्छा है। देखिए मैं दोनों कैंडिडेट के लिए बता देता हूँ। जिनका अगर टेक अच्छा है, मैं पहले टेक के बारे में बात करूँ, तो टेक अच्छा है तो वो तो BSPCCL की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में टेक्निकल का ही मेन वेटेज है, टेक्निकल पर ही आपका ज़्यादातर वेटेज मतलब मेरिट बनने के चांसेस टेक्निकल पर ज़्यादा है आपका। तो जिनका टेक्निकल अच्छा है वो टेक्निकल पर ही तो BSPCCL की तैयारी कर ही रहे होंगे, या फिर उनको उतना दिक्कत नहीं होता होगा BSPCCL का टेक्निकल पढ़ने में। तो इनका टेक अच्छा है ना, मेरा मानना है ना वो टेक को ही इम्प्रूव करें, नॉन टेक पे उतना ही ध्यान ना दे, क्योंकि आप नॉन टेक पे जाएंगे तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है लोगों को, 25 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए हैं रेलवे ALP में, तो उस 25 लाख में आपको फाइट करने में काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ेगा नॉन टेक में आगे बढ़ने के लिए। और नॉन टेक में जब आप आगे बढ़ेंगे तो टेक्निकल में आपका ऑटोमेटिक है कि आप फिर वीक हो जाएंगे। तो अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो देखिए टेक्निकल में ITI लेवल बहुत सारी वैकेंसी आ रही है अभी अभी। देखिए इलेक्शन खत्म होगा तो और भी वैकेंसी आ जाएगी। जैसे मैं बात करूँ अभी IUCL में वैकेंसी एकदम फिक्स की आएगी, अभी देखिए UP मेट्रो में आ रखी है, UP मेट्रो में आ रखी है, तो ऐसे भी और भी डिपार्टमेंट है अलग अलग जिसमें कि वैकेंसी आती रहती है, ITI लेवल पे ही आती रहती है इवन, तो बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग है जिसमें कि आ रही है वैकेंसी। IUCL में वैकेंसी आ रही है, UP मेट्रो में भी आ रही है, वैसे भी छोटे मोटे वैकेंसी आती रहती है। मैं मानता हूँ कम पोस्ट आती है पर आती रहती है, अगर आपका टेक्निकल सही है तो आप निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और इसमें ऐसा नहीं है कि बाहर से बच्चे आते हैं, वो हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं वही निकालते हैं इस एग्ज़ाम को। तो आप टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है तो आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि 1 डे एग्ज़ाम होता है, मोस्टली एक ही पेपर होता है इस सब पेपर में, और एक पेपर में आपका फिक्स हो सकता है कि आपको जॉब लग जाएगी, और आपका तैयारी अच्छा है तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो वो इन स्टूडेंटों के लिए होगा जिनका टेक्निकल काफ़ी अच्छा है और जो टेक्निकल की उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए BSPCCL भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो तैयारी कंटिन्यू टेक्निकल पर कर रहे हैं तो देखिए वैकेंसी आती रहती है, और आती रहती है वैकेंसी छोटे मोटे 10-15 वैकेंसी हर समय निकलती रहती है, ISRO DRDO हैं वगैरह सेल वगैरह में निकलती रहती है। तो आप ये नहीं सोचें कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है टेक्निकल में, तो ऐसा नहीं है, छोटे मोटे वैकेंसी आती रहती है, मैं मानता हूँ कम आती है पर आती है। फिर बात रही नॉन टेक स्टूडेंट के लिए, देखिए तो
नॉन टेक स्टूडेंट के लिए काफी एक अलग मतलब है कि नॉन टेक स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, नॉन टेक स्टूडेंट क्या मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट तो टेक्निकल के ही हैं पर जिनका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है मतलब नॉन टेक जिनका अच्छा है, तो नॉन टेक अच्छा है तो उनके लिए सबसे बेस्ट अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए रेलवे है। देखिए रेलवे क्या है कि रेलवे पूरा नॉन टेक का गेम है, नॉन टेक जिनका अच्छा है उनके लिए रेलवे अच्छा है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट जाते हैं पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का कोई वहाँ पर यूटिलाइज नहीं है। अब बात करें एएलपी का ही, तो एएलपी के लिए आपको पहले दो स्टेज में नॉन टेक ही पूरा बढ़िया से फाइट करना होगा, मेरिट भी आपका नॉन टेक पे ही बनने वाला है। अगर टेक्नीशियन की बात करें टेक्नीशियन में भी आपका फाइनल सिलेक्शन नॉन टेक पे ही होगा, आपका साइंस मैथ और रीजनिंग अच्छा है आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो जिन कैंडिडेट का नॉन टेक अच्छा है ना, मैं मेरा मानना है कि वो रेलवे की तैयारी में भिड़ जाए, वो बीएसपीसीएल के भरोसे ना बैठे, क्योंकि आपका इससे बीएसपीसीएल के भरोसे बैठने से टाइम खराब हो सकता है। आप सोचें कि आपको कह रहे हैं कि नहीं तैयारी करने के लिए, देखिए ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं, बट मेरा एक सजेशन था कि आपको मैं बता दूं कि आपके लिए वेस्ट क्या होगा। तो आपका नॉन टेक अगर अच्छा है तो मेरा मानना है कि आप रेलवे की तैयारी में लगे रहें। आप भले ही देखिए आप पीछे है थोड़ा कम मार्क्स है, लेकिन आप इंप्रूव कर सकते हैं, नॉन टेक आपका अच्छा है, मैथ आपका साइंस अगर अच्छा है तो कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो मैं आपको बता दिया कि हर समय आईटीआई पे वन डे एग्जाम आते ही रहता है, पीजीसीआई लो बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, थोड़ा कम आते हैं पर आती रहती है, तो आप इसका तैयारी कर सकते हैं। अगर बीएसपीसीएल की बात करें तो देखिए बीएसपीसीएल के भरोसे आप लोग ना बैठे, क्योंकि बीएसपीसीएल ऐसा डिपार्टमेंट है ना पिछले 6 सालों से कंटिन्यू कैंडिडेट का इंतजार करवाते करवाते एक तो बहुत मुश्किल से आई थी वैकेंसी, और उसमें भी फॉर्म फिलअप का डेट नहीं पता, तो हो सकता है आफ्टर इलेक्शन स्टार्ट हो जाए, पर ये कंफर्म नहीं है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, आफ्टर इलेक्शन हो ही जाएगा फॉर्म स्टार्ट, ऐसा कुछ अभी वो कहीं पर मेंशन नहीं कर रहा है, सब अनुमान लगा रहे हैं व्यक्ति, और अनुमान लगाकर हम आप कुछ कह नहीं सकते, ये अनुमान तो एक महीना पहले से ही लग रहा है कि 1 तारीख को ओपन होगी पर 1 तारीख हो गई ओपन नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, जिस फील्ड में आपका अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्निकल के लिए अपना जी जान लगा लीजिए, और नॉन टेक आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप रेलवे की वैकेंसी के लिए जी जान लगा दीजिए, आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर आपका कोई क्वायरी है तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।